और मैं पहली बार अकेले जर्नी कर रही हूँ। वैसे देखो मुझे ट्रिप करने का बहुत मन है, तो धीरे धीरे मैं स्टार्ट करी, उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं जाऊंगी, तो ये सब चलो ये सब तो बात होती रहेगी। तो अभी फिलहाल तो जैसे आप सभी को पता है कि हम रात में तो 5 बजे सोए थे, अच्छा किया लाइट जलाकर, और अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, और मैं फ्रेश होके फिर मैं सोची कि पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो अभी ऑलरेडी मॉर्निंग हो गया है, पूरी रात हम घूम रहे थे, मस्ती किए, काफ़ी इन्जॉय किए। 5 बजे तो हमने आइसक्रीम खाया, उसके बाद सो गए थे। और फिर पता है मतलब यहाँ पे ना भाई कलकत्ता, सच बताऊँ रात का जो सीन है ना बहुत अच्छा है। और अभी जो सीन है ना मतलब सही है, बट अभी मेरे को निकलने का कहीं मन नहीं कर रहा है। अभी डटी फिलो, पागल है वो। तो फिर कल हम काफी सारी रील्स बनाए, काफी अच्छा था, एंड आज हम निकलने वाले हैं, घर जा रहे हैं। तो पता नहीं अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, आपको मैं क्या बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं मैं आपको नेक्स्ट क्या बता पाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। सो फाइनली गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा था मैं आप लोगों से मिली थी सुबह में उठ के हम सो गए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, एंड अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। तो अभी मैं जा रही हावड़ा क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इवनिंग में मैं निकल रही हूँ, तो फिलहाल तो मैं यहाँ से अभी अकेले ही जा रही हूँ। तो चलते हैं अभी हावड़ा निकलेंगे, बस में मैं बैठी हुई हूँ अकेले, तो आई थिंक 1.5 घंटा मुझे लगेगा हावड़ा पहुँचने में। सो फाइनली गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं बस में थी, तो करीबन 2 घंटे का सफ़र के बाद अभी मैं आ गई हूँ हावड़ा स्टेशन, और मैं पहली बार अकेले जर्नी कर रही हूँ। वैसे देखो मुझे ट्रिप करने का बहुत मन है, तो धीरे धीरे मैं स्टार्ट करी, उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं जाऊँगी, तो ये सब चलो ये सब तो बात होती रहेगी। तो अभी फिलहाल चलते हैं, मेरा ट्रेन का वक्त हो रहा है, तो मैं आपसे मिलूँगी सीधे स्टेशन के अंदर या फिर ट्रेन के अंदर। सो फाइनली गाइस, मैं अभी स्टेशन आ गई हूँ, और स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे पता चला मेरी जो ट्रेन है जो कि 8 बजे आने वाली थी वो अभी 9 बजे आ रही है। 1 मिनट एक कॉल आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो ट्रेन है वो 1 घंटे लेट है, मतलब 8 बजे आने वाली थी और अभी 9 बजे आएगी। तो अभी वेट छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गई। और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, अच्छा हुआ मैंने ये बहुत ही कम्फी सा एक टी शर्ट डाला हुआ है। तो चलिए मैं आपसे सीधे अभी मिलूँगी ट्रेन में, तब तक बने रहिए। सो फाइनली गाइस, मैं अभी ट्रेन में चढ़ गई हूँ, और ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे फाइनली विंडो सीट मिल गया, सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी ट्रेन एक्चुअली यहाँ 9 बजे खुलेगी, ट्रेन 20 मिनट पहले ही आ गई क्योंकि इंजन वगैरह चेंज होता है इसीलिए। तो चलिए चलते हैं, एंड मैंने कुछ स्नैक्स लिया वो मैं खाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेन हमारी रुकी थी, ट्रेन ऑलरेडी चली गई है अपने स्टेशन से, मतलब हावड़ा स्टेशन से निकल चुकी है, और ट्रेन अपनी निर्धारित समय पर चल रही है। ओह माय गॉड, इतना हिंदी भाई, ट्रैवल करते करते हम इतना कुछ सीख लिए। एनीवे निर्धारित समय पर चल रही है ट्रेन, अभी रुकी हुई है, और यहाँ पर मालगाड़ी भी है। भाई फ़ोन मेरा गिरता। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 बज रहे, और शायद मैं घर 11 या 11:30 बजे तक पहुँचूँगी। तो ट्रेन तो अभी रुकी हुई है, मैं आपसे मिलूंगी सीधे बर्दवान में, तब तक बाय गाइस। और हाँ, अच्छा आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अभी मेरे को जितने भी मेरे अपकमिंग ब्लॉग आएंगे वो सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग आएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एवरी पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई रिपीट दिस लाइन, सो बाय गाइस, स्टे ट्यून। सो फाइनली गाइस, मैं अभी आ गई हूँ बर्दवान स्टेशन, और स्टेशन में आते हैं यहाँ पे सिंगारा चौप, भाई फूल का हालत देखो, अभी मैं सो रही थी इसके वजह से मेरा हेयर वेयर पूरा ख़राब हो गया है, और यहाँ पे सब कुछ सिंगारा पूरी सब्जी सब कुछ सोन पापड़ी वगैरह सब मिल रहा है, बट
तो देखते हैं अब हम एक घंटे या दो घंटे में पहुंचेंगे। अभी तो ये फ़ोन ख़राब है इसका, मेरे को बहुत टेंशन लग रहा भाई साहब क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और बैकग्राउंड से इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है ना, आई डोंट नो कि मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ भी रही है नहीं। एनीवे ये मैं यहाँ से निकलती हूँ, फिर मैं आपसे शायद दुर्गापुर स्टेशन में ही मिलूँगी क्योंकि और सफ़र में कुछ दिखाने के लिए है नहीं। सो चलिए चलते हैं और थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। सो बाय। सो फाइनली गाइज मैं अभी आ गई हूँ घर और रात के बज रहे हैं 12:20 में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेन हमारी 1:30 लेट चल रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। मैं सोची कि सबसे पहले मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि हर बार मैं ना स्टार्ट तो करती हूँ बट मैं ब्लॉग को एंड करना भूल जाती हूँ। तो आई होप आपको ये जर्नी काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, इनफैक्ट मज़ेदार था भी नो डाउट, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट आप लोग समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स। और मैं तनिषा के साथ गई थी तो उसे छोड़ने गई थी बट आई तो मैं अकेली ही। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपसे ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए। सो बाय गाइज, लव यू, टेक केयर एंड जय श्री राम।